साथ मैं हूं ममता तिवारी और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर, आज पीएम मोदी का प्रदेश दौरा। आपको बता दें कि अजमेर के पुष्कर में जनसभा करेंगे, नागौर और अजमेर सीट के लिए भी हुंकार भरेंगे। दोपहर 2 बजे अजमेर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो फिलहाल बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, कल चुरू में गरजे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आज अजमेर के पुष्कर में जनसभा होने वाली है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर आम जन को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। अशोक भाटी संवाददाता इस वक्त ऑनलाइन पे हमारे साथ है। अशोक, आज अजमेर के पुष्कर में एक बड़ी जनसभा रहने वाली है, कैसी तैयारियां की गई है, कब तक प्रधानमंत्री पहुंच जाएंगे? जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री आज अजमेर दौरे पर रहेंगे, पुष्कर में जनसभा को संबोधित करेंगे। पुष्कर से क्योंकि अजमेर हृदय स्थली है राजस्थान की और देश की, तो यहाँ से पूरे देश में मैसेज जाता है ब्रह्मा की नगरी है। ऐसे में पुष्कर में वो पहुंचेंगे करीब 2 बजे, उनका जो हेलीकॉप्टर प्लेन है वो चार्टर के माध्यम से किशनगढ़ एयरपोर्ट पहुंचेंगे और उसके बाद 10 से 15 मिनट में सेना के हेलीकॉप्टर से वह पुष्कर के हेलीपैड पहुंचेंगे। तमाम स्थानों पर सुरक्षा का जायजा यहां पर कल भी ले लिया गया था और कल जो है डिप्टी सीएम देर शाम को यहां पर पुष्कर पहुंची थी और व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया था। इसके साथ ही मुख्यमंत्री कुछ देर में यहां पर पहुंच जाएंगे और वह भी जो है यहां पर तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं तो ऐसे में तमाम सुरक्षा की व्यवस्था का ध्यान में रखते हुए किस तरह से इस जनसभा को संबोधित सफल बनाया जा सके, इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी की तमाम व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई है। अजमेर के साथ साथ नागौर से भी यहां पर कार्यकर्ता पहुंचेंगे। इसके साथ साथ ही क्योंकि एडजोनिंग यही राजसमंद सीट है, वहां से भी जो है कार्यकर्ता यहां पर पहुंचने वाले हैं। तो तमाम स्थानों पर व्यवस्थाओं का जायजा लेने के साथ साथ इस यात्रा को किस तरह से सफल बनाया जाए, इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण रूप से जुटी हुई है। क्योंकि प्रधानमंत्री का दौरा एक महत्वपूर्ण दौरा हो जाता है, चुनावी दौरा ये माना जा रहा है। तो चुनाव के दौरान जो क्योंकि तमाम योजनाओं की जानकारी देने के साथ साथ देश में उन्होंने किस तरह से विकास के आयाम स्थापित किए, सुरक्षा की दृष्टि से हो या फिर तमाम दृष्टि से हो, वो यहाँ पर सभी को बताएंगे। ऐसे में यह दौरा जो है अजमेर लोकसभा के साथ साथ नागौर और राजसमंद और आसपास की जो लोकसभा सीटें हैं वहां के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। जी बिल्कुल अशोक, काफी महत्वपूर्ण ये दौरा है और 2 बजे पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तब भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। राजस्थान के सियासी रण में बीजेपी के सबसे बड़े स्टार कैंपेनर पीएम मोदी ब्रह्मा नगरी पुष्कर में जनसभा को संबोधित करेंगे और अपनी सरकार की गारंटियों को गिनाएंगे। पीएम मोदी अजमेर के पुष्कर मेला मैदान से 2 लोकसभा सीटों को साधेंगे। पीएम मोदी दोपहर 12 बजे के करीब पुष्कर हेलीपैड पर उतरेंगे, इसके बाद में मेला ग्राउंड में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। अजमेर से भागीरथ चौधरी और नागौर से ज्योति मिर्धा चुनावी मैदान में हैं और दोनों की ही साख दांव पर है। बीजेपी नेताओं का दावा है कि पीएम मोदी की रैली में करीब 1 लाख से अधिक लोगों की भीड़ जुटेगी। अजमेर और नागौर लोकसभा के 4000 बूथों पर कार्यकर्ताओं को लोगों को आम सभा तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई है। लगभग 1 लाख लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं। जैसा जोश दोनों लोकसभाओं में है, मुझे लगता है कि पुष्कर में ऐतिहासिक सभा ये होने वाली है और माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ से संकल्प भारतीय जनता पार्टी को दिलाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिलाएंगे कि हम लोग 25 के 25 सीटें 5 लाख के मार्जिन से जीत कर जाएं। नागौर सीट पर इस बार कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। जहां एक तरफ कांग्रेस से बीजेपी में आई ज्योति मिर्धा को मैदान में उतारा है, तो वहीं इंडिया गठबंधन से आरएलपी से हनुमान बेनीवाल दूसरी बार किस्मत आजमा रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी का बीजेपी के साथ गठबंधन था, इस बार बेनीवाल की पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। अजमेर में बीजेपी प्रत्याशी भागीरथ चौधरी का कांग्रेस के रामचंद्र चौधरी से मुकाबला है, जहां इस बार अच्छी चुनावी फाइट देखने को मिल सकती है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद पीएम मोदी राजस्थान के ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं, कोटपुतली और चुरू में चुनावी जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। तो
खुशी की बात है हम कार्यकर्ताओं के लिए, क्योंकि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का हमारा 45वां स्थापना दिवस है उसी दिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हम सबका हौसला अफजाई करने तीर्थराज पुष्कर की धरा पे पधारे हैं। और इसका महत्व तब और बढ़ जाता है जब षष्ठी के रचयिता परम पिता ब्रह्मा जी स्वयं कमल पर विराजित है, कमल पर विराजमान है, और हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह भी कमल है। हम कलम कमल के लिए वोट मांग रहे हैं, तो ये हमारे लिए दिन बहुत ही उपयोगी है। और निश्चित रूप से यहाँ से पूरे देश के अंदर एक नया संदेश आएगा और 400 पार की नई इबादत लिखेंगे। तो ये थे सुरेश चौधरी जी, जिन्होंने बताया कि तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पहुँचने वाले हैं। प्रधानमंत्री की जो ये रैली है, जो सभा है, वो ऐतिहासिक होने वाली है। कैमरा पर्सन कौशल सिंह के साथ अशोक सिंह, न्यूज 18 अजमेर।